मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं अगर हम बात जल भराव की करें तो दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आई है। वहीं अगर हम बात दिल्ली में किराड़ी विधानसभा की करें तो आप यहां की स्थिति देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहां पे जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो हर मिनट राइज होता जा रहा है। बेशक से यहाँ पर बारिश रुक गई हो लेकिन यहाँ पर पानी अभी भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक यही हालात रोडों के हैं और इन्हीं रोडों के पास यहाँ पे जो जनता के लिए पब्लिक फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पे ही मौजूद है, जैसे राशन की दुकानें हो गई और स्कूल्स हो गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है और समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसे इलाकों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी तो किस तरह से यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हमें नज़र आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए जाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी की स्थिति आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के आधे आधे पहिए तक भरने की वहाँ पे नौबत आई है। और अगर हम बात यहाँ पे दुकानों की करें तो यहाँ पे एक दुकान है और आप वाटर लेवल देख सकते हैं दुकान का लेवल। और एक बार यहाँ पे वाटर लेवल आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करें, तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है इस समय। और यहाँ पर हमारे साथ इस समय आम जनता मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, तो इनसे बातचीत करेंगे कैसे पूरी स्थिति में आप लोग रहते हैं और कैसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैम मेरा नाम अमिजा है, मैं ही 40 फुट रोड पे ही रहता हूँ। तो समस्याएं तो काफ़ी है यहाँ पर और कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। आए दिन हम कंप्लेंट डालते रहते हैं विधायक को, निगम पार्षद को और भी जो भी अधिकारी है यहाँ के, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है सब कुछ, बहुत ज़्यादा समस्या है और इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो विधायक है आपके, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक चुने गए हैं, तो उनके पास जब आपने कंप्लेंट डाले तो उनकी तरफ से क्या जवाब आपको मिला? जब हमने विधायक ऋतुराज जी को यहाँ बोला आने के लिए विजिट करने के लिए, तो उन्होंने विजिट भी किया अभी 2-3 दिन पहले और आते ही उन्होंने फटकार भी लगाई है 2-4 इम्प्लॉय को। लेकिन उसका समाधान अभी देखो, काम तो थोड़ा सा प्रोग्रेस में आया है बट फिर भी तेज़ी से काम नहीं हो रहा है। जल जमाव अभी भी बना हुआ है और आगे का निदान देखते हैं क्या होता है। किराड़ी विधानसभा में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जल भराव की समस्या वहाँ पे लगभग 12 महीने रहती है, लेकिन मानसून में वो समस्या बढ़ जाती है, तो बाकी महीनों में और मानसून के समय में क्या एक अंतर आपको देखने को मिलता है? मैम वैसे ही ये बिना मानसून के ये हालत है, आप जो अभी देख रहे हैं ना ये स्थिति यहाँ की, ये हमेशा बिना मानसून के बनी हुई है और मानसून होने के बाद तो बिल्कुल ही घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। और आज जैसे कि सवेरे सवेरे बरसात का मौसम बना था, बारिश भी हुई थी यहाँ पे, तो क्या कहेंगे उसके बाद से किस तरह के बदलाव भी देखने को मिले? बदलाव क्या मैम, यहाँ तो पानी और ज़्यादा भर गया है आज, जैसे बारिश हुई तो और ज़्यादा पानी हो गया। दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ा है यहाँ के दुकानदारों को और आम जनता को, तो समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। बरसात के दिन आने वाले हैं और बरसात हो ही रही है जी। क्या कहेंगे आप किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये पूरी साल यही हाल रहता है जी। हाँ, MCD के आदमी है ना, ये बिल्कुल नहीं आते, आएँगे तो काम कुछ नहीं करते, उल्टे बकते। जो इंस्पेक्टर के पास गया जी एक दिन में, निवल इस पागल से बात करियो क्या कह रहे हैं, ये उल्टे पड़ते जी इंस्पेक्टर यहाँ, और 5-4 आदमी आते हैं वो कुछ नहीं करते यहाँ। यानी कि जब आप शिकायत लेके प्रशासन और पुलिस के पास पहुँचे तो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं? हाँ, ये इंस्पेक्टर करता है जी यहाँ का, MCD का बैठा रहता है सारा दिन, कभी आया ही नहीं। MCD के इंस्पेक्टर? हाँ जी। क्या नाम है? नाम तो पता नहीं जी, आज तक नहीं आया जी वो। वीरेंद्र, वो काला सा वीरेंद्र जी, क्या नाम बता रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल नहीं आता जी, उल्टा बोलता है, ना आदमी भेजता ना कोई सफाई है, उसी का हाल है जी। मेरी 8.5 फुट दुकान उठ लीजिए, ये रोड से 8.5 फुट ऊंचे दुकान थी, आज ये 3 फुट नीचे गई। आप देख सकते हैं अपने दुकान के हालात इस समय बता रही है दुकान, यानी कि कह रहे कि पहले रोड से भी 8 फुट करीबन ऊपर हुआ करती थी और इस समय रोड आप देख सकते हैं कि दुकान से 2-3 फुट ऊपर ही नजर आ रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनका कहने का मतलब है हमारे को काम की मत बोलो, वो कहते हैं जी धूप हो रही है हम नहीं काम करेंगे। आप उनके कपड़े देखोगे ना, आज हमारे कपड़े देखो ऐसे हैं, वो बिल्कुल सूट बूट पहन के आएंगे और क्या मजाल है उनकी, क्रीज भी टूट जाए। हालांकि नाली साफ करने का काम है, उनका क्रीज तक नहीं टूटने देते हैं वो, तो कैसे काम करेंगे जी वो। ऊपर से कोई वाला नहीं है यहाँ पे, इस एरिया में 50 आदमी है, मुश्किल से यहाँ पे 10 आदमी आते हैं, 40 आदमी गए कहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, सभी मिली जुली भगते हैं, कोई कहने वाला नहीं है जी। समस्या बहुत है जी, ज़्यादा समस्या है, हम लोग इधर जनता को निकलना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा निकलना मुश्किल हो गया है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। आज थोड़ी सी बरसात हो गया और बरसात की मौसम आ चुका है, अब बताइए इससे भी बुरी हाल होगा तो पब्लिक कैसे घर से बाहर निकल सकता है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, जनता बहुत
परेशान है यहाँ से जी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत करी और बातचीत में ये बात सामने है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबी मित्तल इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर एक बच्चों के लिए स्कूल भी है, लेकिन इस स्कूल की जो एंट्रेंस गेट है उसके सामने आप वाटर लेवल देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। जो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर जो पॉट्स लगाए, फ्लावर पॉट्स पौधे, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरह से पानी में आधे आधे बिल्कुल डूब चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता भी है तो सवाल ये उठता है कि वो बच्चा यहाँ पर आएगा कैसे, और बच्चा आता है तो सुरक्षित क्या वो घर पहुँच पाएगा, उसको यहाँ पे चोट नहीं लग सकती, इस तरह के तमाम सवाल यहाँ उठते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये हुई कि आप पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई करते हो, किस तरह की हमें आगे डेवलपमेंट इस एरिया में देखने को मिलती है। कैमरा मैन के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी।